24 का समर जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूं तो बीजेपी सभी राज्यों में अपनी जोर आजमाइश कर रही है, मगर बंगाल पर उसकी विशेष नजर है। इसलिए बीजेपी के दिग्गज नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं और ममता बनर्जी पर हमले भी करते रहते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दीदी को निशाने पर लिया, तो आज जेपी नड्डा ने बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। यू कैन पुल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट पुल द पीपल ऑल द टाइम। सो फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, सी योर ओन फेस। और ममता जी का बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये हमारा जोर है। ममता सरकार पर पीएम मोदी ने जिस हमले की शुरुआत की, अपने बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसे और धार दिया। चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बंगाल सरकार पर तीखा प्रहार कर रहे हैं नड्डा। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30-40-50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेसों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये हमारा दुर्भाग्य। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर थे। दौरे के आखिरी दिन जेपी नड्डा दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर लोगों को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी की। आप आइए बंगाल, कौन है पीसी भाई को आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस बंगाल ने देश को दृष्टि दी, जिस बंगाल ने देश को दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया, इस बात को भी हमको समझना। मौका पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय राज्य परिषद के संबोधन का था। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े तो पश्चिम बंगाल हिंसा का जिक्र करना नहीं भूले। ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार की तो दीदी को हिंसा का जिम्मेदार भी बताया। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए, इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया। बंगाल सरकार पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी ने भी फौरन ही पलटवार किया, बीजेपी को मौत का सौदागर बता दिया। व्हाट एवर ही कैन ही स्पीकिंग विदाउट एनी एविडेंस, ही वांट्स द पुअर पीपल शुड डाई, द कंट्री शुड डाई, द कॉमन पीपल शुड सफर एंड ओनली बीजेपी इज देयर बैकअप। Cannot reach the people with their ideology. Forgotten all the ideology. Their ideology is only to create. Well, you cannot raise the corruption issue because you are fully surrounded by so many issues. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की जंग आगे भी सुनाई देने वाली है।
राज्यों की बीजेपी और टीएमसी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है। बहरहाल 2024 की जंग में पश्चिम बंगाल का एक बड़ा सियासी मैदान है। ऐसे में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था और अब बीजेपी की कोशिश यहां खुद को और मजबूत करने की है, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो।